वेलकम बैक गाइस। तो अब हम देखते हैं कोड फोर्सेस राउंड 7:30 डेव टू का क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि हमको मतलब दो जने हैं वो आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। एक ने $1 की बैट लगाई है और एक ने $20 की बैट लगाई है। और जो फैंस है उनका जो एक्साइटमेंट है वो होगा GCD उन दोनों नंबर्स का, ठीक है। और हम चाहते हैं कि फैंस का जो एक्साइटमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और हम दो ऑपरेशन कर सकते हैं, मतलब ए और बी को या तो +1 कर दे दोनों को, या फिर दोनों को -1 कर दे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि अब अपन अप्रोच कैसे करेंगे। मतलब अपने को करना ये है कि मैक्सिमम होना चाहिए GCD ए और बी का, मतलब ये वाले ऑपरेशन करके, और मिनिमम ऑपरेशन कितने आपने किए वो भी अपन को बताना है। हाँ, तो अभी अपन अप्रोच देख लेते हैं। तो सपोज कर लेते हैं दो नंबर है ए कॉमा बी। पहले मैं मान लेता हूँ ए बड़ा है बी से, है ना। ए इक्वल टू बी है तो आंसर अपना इनफाइनाइट हो गया, है ना, क्योंकि तब तो दोनों को प्लस प्लस करते रहो और दोनों का जो GCD है वही नंबर जो खुद है वही GCD हो जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर सेम है। तो फैंस का इनफाइनाइट एक्साइटमेंट अपन करवा सकते हैं इक्वल टू बी में। तो हम 0.0 प्रिंट कर देंगे। अब बिना बिना मतलब ऐसे ही मैं मान लेता हूँ बिना जनरलिटी के लॉस के कि ए बड़ा है बी से, तो अपन ठीक है मान लेते हैं। तो ए यहाँ आएगा नंबर लाइन पे, मैंने प्लॉट किया इसको, और बी यहाँ आएगा। अब अपन क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, या तो +1 कर सकते हैं या -1 कर सकते हैं दोनों को। तो अगर दोनों को +1 करेंगे और दोनों को -1 करेंगे तो क्या चीज़ हमेशा सेम रहेगी, दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, है ना। और अपन को फाइंड क्या करना है, GCD फाइंड करना है जी, जो दोनों को डिवाइड कर दे। मतलब GCD तो दोनों को डिवाइड करेगा ही, मतलब मैक्सिमम GCD जी, और कुछ ऑपरेशंस करने के बाद। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि GCD जो जी है वो ए को भी डिवाइड करेगा बी को भी डिवाइड करेगा, इस पे आप आखिरी करते हो, है ना। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम GCD जो हो सकता है वो ए माइनस बी हो सकता है, ये मेरा क्लेम है। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे नहीं यार इससे बड़ा रखेंगे, तो मैंने कहा ठीक है चलो इससे बड़ा कुछ नंबर मान लो, फिर जी जो है वो बी को डिवाइड करेगा। आप मतलब बी को आराम से डिवाइड करेगा जी। तो आपने कहा ठीक है, तो मैं कहूँगा अब बी से अगला मल्टीपल कहाँ जाएगा जी का, तो आप कहोगे बी प्लस जी जाएगा अगला जो मल्टीपल होगा। आप लोगों ने कहा है कि यार बी जो है वो जी से डिविजिबल है, तो जी का अगला डिविजिबल अगला जो मल्टीपल है वो कहाँ जाएगा, बी प्लस जी पे जाएगा। कॉमन सेंस सी बात है। जैसे मान लो कि 12 का अगला मल्टीपल 3 का कौन सा है, 12 + 3 = 15, और 16 के बाद अगला मल्टीपल 4 का 16 + 4 = 20। तो वैसे ही जी का अगला मल्टीपल बी के बाद क्या होगा, बी प्लस जी। और अभी हमने बोला कि ए माइनस बी से बड़ा है जी, और अगर बड़ा है तो हम ए से आगे निकल गए, और अगर हम ए से आगे निकल गए हैंस वो वाला जी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ए को वो डिवाइड ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि सबसे बेस्ट जो जी है वो ए माइनस बी है, और ए माइनस बी हम हमेशा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कुछ नहीं, बस बी को जी के मल्टीपल पे ले जाओ और ए अपने आप ऐसे ही सेट हो जाएगा, है ना। जी मतलब ए माइनस बी वाली वैल्यू के मल्टीपल पे ले जाओ बी को, प्लस करके या माइनस करके जो ज़्यादा ऑप्टिमल हो, जो ज़्यादा मिनिमम उसमें आ रहा हो वहाँ पे ले जाओ, फिर बस उसके बाद जो ए फिर उसके बाद जो डिफरेंस है वो तो ए माइनस बी है, वैसे हमको पता ही है, बस उससे ए की जम में अगला ए आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। इससे कोई बड़ा आंसर पॉसिबल नहीं है, प्रूफ कर दिया हमने। तो ए माइनस बी जो है वही ऑप्टिमल आंसर होगा, तो बस यही है। अब अपन कोड देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला है वैसे ही मैंने किया है, अगर ए लेस देन बी है तो स्वैप कर दिया, क्योंकि मैंने माना है ए बड़ा होगा ऐसे ही मान लिया, तो क्योंकि फर्क तो क्या ही पड़ रहा है, नहीं तो आप कंडीशन लगा दो और क्या। तो इसीलिए फिर मैंने बस ए माइनस बी प्रिंट कर दिया, हो गया अपना। ए माइनस बी तो क्या है कि ये नंबर होगा जो फैंस का एक्साइटमेंट होगा। मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स भी प्रूफ बताने क्या होंगे, तो वो भी मैं बता दूंगा। अभी जैसे मैंने बोला है कि अप्रोच में कि बी को कहाँ ले जाना है, या तो आगे वाले मल्टीपल पे ले जाओ ए माइनस बी के, या पीछे वाले पे ले जाओ जहाँ पे जाना ज़्यादा आसान हो, मतलब जहाँ पे मिनिमम मूव्स लगे। तो मैंने देख लिया मिनिमम क्या होगा कि भाई ए को परसेंट सी देख लो, कि परसेंट सी सी अपना ए माइनस बी है, तो परसेंटेज परसेंट लेके देख लो यहाँ से इतने मूव्स अपने को पीछे जाने में लगेंगे, और सी माइनस ए परसेंट सी कर लेंगे तो इतने मूव्स आगे जाने में लगेंगे। तो दोनों में से जो भी मिनिमम है वो अपन आउटपुट कर देंगे। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच।